आज का जो विषय है राजयोग द्वारा शक्तियों की प्राप्ति. ऐसे तो अनेक प्राप्तियां होती हैं, लेकिन विशेष जिन शक्तियों का विकास राजयोग के द्वारा होता है उसके विषय में विस्तार से हम समझेंगे. जितना आध्यात्मिक बल हमारे अंदर होता है उतना हमारी सहन शक्ति ज़्यादा होती है, और इसीलिए हम महापुरुषों के जीवन में देखते हैं ऐसा ही उनका जीवन होता है. जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है कि एक पेड़ जब फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी वो पेड़ क्या देता है, मीठा फल देता है. तो पत्थर की चोट सह कर के भी मीठा फल देना ये प्रकृति का गुण है. तो प्रकृति भी जब ऐसा व्यवहार कर सकती है तो मनुष्य जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं कर सकता? कि कोई हमारे साथ कैसा भी करे फिर भी हम उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करें. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो महान पुरुष हुए उन्होंने कभी भी टिट फॉर टैट नहीं किया. इसने जैसा किया है वैसा ही उसको मिलना चाहिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से देना है, नहीं. जैसा किया है, कैसी भी गलती की है फिर भी उनको माफ़ किया, उनके प्रति प्रेम था. और वो क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव के कारण ही समाज में वो इतने बड़े बड़े परिवर्तन ला सके. ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया और उन्होंने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. अब सूली पर चढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी मुंह से निकल रहा है क्षमा करना, ये नहीं कि सजा दे देना. ईसा मसीह की पूजा होती है, भगवान का दर्जा उन्हें प्राप्त है. और भी महापुरुष हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, महात्मा गांधी हुए, मदर टेरेसा इस युग में भी हुई, लेकिन उन सब के जीवन की विशेषता थी. जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इन शक्तियों का विकास होने लगता है और उसके द्वारा हम स्वयं के जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं और जो हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनके प्रति भी प्रेम होने के कारण, क्षमा भाव होने के कारण उनकी गलतियों को या उनकी कमियों को हम सहन भी कर सकते हैं और उनको क्षमा भी कर सकते हैं. दूसरी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति. राजयोग के अभ्यास से हमें ये शक्ति प्राप्त होती है, जिसे चित्र में आप देख रहे हैं. एक सागर में कितनी ही नदियाँ आती हैं, अपना जल सागर में डालती हैं, लेकिन सागर इतना विशाल है कि वो जल उसमें समा जाता है. सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता. और सागर में कैसा भी कचरा पड़ता है तो भारी कचरा सागर के तले में चला जाता है और जो हल्का होता है वो लहरें उसे उठाकर पहाड़ फेंक देती हैं. सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है. ऐसे ही एक योगी का जीवन होता है. हम इस संसार की कितनी अच्छी बुरी बातें देखते सुनते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते ही रहते हैं. लेकिन एक योगी की बुद्धि विशाल होती है और उससे समझ है सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी रहने वाला नहीं है. तो हर स्थिति में मन स्थिर रहता है और हम इस जगत से वही ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए सार्थक है. कुछ बातें हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे लिए सार्थक हैं तो हम उन्हें समाते हैं, और जो बातें हमारे काम की नहीं हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं. तो राजयोग अभ्यास से हमारे स्वभाव में गंभीरता आती है. यानी जो बात
नहीं कहनी है हम कभी नहीं कहेंगे, और जो बात कहनी है तो जिस स्थान पर कहनी है, जिस व्यक्ति से कहनी है, जिस भाव से कहनी है, उस भाव से ही हम उसे कहते हैं। इसको समाने की शक्ति कहा जाता है। तीसरी और चौथी शक्ति जो हमें योग से प्राप्त होती हैं वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियाँ हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। कई परिस्थितियों, व्यक्तियों को हमें परखना होता है, सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, करूं नहीं करूं, हम दुविधा में होते हैं। परखने के बाद निर्णय भी लेना होता है, और यदि हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हम सफल होते हैं, और नहीं तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है कि ऐसा अवसर मेरे हाथ से चला गया। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि एक जौहरी को आभूषणों की परख होती है, क्योंकि उससे आभूषणों का, सोने का, रत्नों का ज्ञान है, और उस ज्ञान के आधार पर वो जानता है कि सोना खरा सोना है या मिलावट वाला सोना है, रतन असली रतन है या नकली रतन है, और उसी आधार पर वो अपने व्यापार में सफल होता है, नहीं तो उसे घाटा उठाना पड़ सकता है। तो जिस भी क्षेत्र में हम हैं, यदि उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान है तो हम परख पाते हैं। से ही निर्णय करने की शक्ति को तराजू से दिखाया गया है। तराजू के तीन भाग होते हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल के लिए पलड़े बराबर होने चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए, कांटा सीधा होना चाहिए। ऐसे ही सही निर्णय लेने के लिए हमारी बुद्धि एकाग्र हो, मन संतुलित हो, शांत हो और बुद्धि निष्पक्ष हो। और योग में हमारे मन की ये स्थिति बनती है कि मन शांत होता है, संतुलित होता है, एकाग्र होता है, और जब हमारा मन एकाग्र है परमात्मा में तो परमात्मा की अंतः प्रेरणाएं भी हमें प्राप्त होती हैं जो हमें निर्णय लेने में मदद करती हैं। अगर मन उलझा हुआ है किन्हीं बातों में, मन अशांत है, या किसी की बीती हुई बातें पास्ट हमारी बुद्धि में हैं, तो फिर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। पांचवी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सामना करने की शक्ति। हमें समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन जीवन में समस्या ना आए, लेकिन योग अभ्यास से हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ती है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, मानो किसी समीप संबंधी की मृत्यु हुई और असमय मृत्यु हुई। कुछ लोग इतने दुखी होते हैं उस घटना से कि उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ जैसे उनका भी जीवन समाप्त हो गया, और दिनों तक, महीनों तक, सालों तक सामान्य नहीं हो पाते। कुछ लोगों को तो दवाइयां खा करके जीना पड़ता है। बहुत भाई बहने हमसे मिलते हैं जिनका कोई जवान बेटा, या जिनके पति की अचानक मृत्यु हो गई, या पत्नी की, जो भी घर में जो समीप संबंधी हैं उनमें से किसी की मृत्यु हुई लेकिन असमय हो गई। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति वो समझता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर की मृत्यु है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था तब तक वो हमारे साथ थी, और हमारे साथ वो कर्म समाप्त हुआ है तो जहाँ अब उसके कर्म हैं वहाँ वो अपना पार्ट बजाने के लिए गई है। जो चला गया वो तो लौट कर आने वाला नहीं है। उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि हम शुभ भावना रखें, उसे शांति का दान दें, क्योंकि यदि हम दुखी होते हैं तो हमारा दुख उस आत्मा तक पहुंचता है। और भी कई स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बिजनेस में घाटा हो गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई, धन की हानि हो जाती है, कभी ऐसी अचानक कोई आपदा भी आ जाती है,
तो एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है जो भी परिणाम मेरे सामने आ रहे हैं उसका कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारे कर्म हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें कई बार बाद में समझ में आता है कि इसमें मेरा क्या भला था, चाहे भले ही वो हमारे साथ बुरा हो रहा है। और एक राजयोगी ये भी समझता है ईश्वर मेरे साथ है। हम जब भी याद करें परमात्मा की शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं, और जो सर्व समर्थ है अगर वो मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मेरी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ है तो वो नहीं डरता है, उसको पता है मेरे माँ बाप हैं, वो सब संभाल लेंगे अगर कुछ होगा तो, अकेला होगा तो ज़रूर डरेगा। तो जब भगवान की शक्ति हमारे साथ है, जब ईश्वर हमारे साथ है, तो हम अपनी चिंताएं भगवान को सौंप सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान, तो हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। छठी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी सबका सहयोगी होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं हम सब आत्माएं हैं, हम एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, एक ही परम धाम से सृष्टि पर आए हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये विश्व एक परिवार है, और इसीलिए सबके प्रति शुभ भावना, सहयोग की भावना हमारी रहती है। ऐसे नहीं चार छः सदस्यों का परिवार मेरा परिवार है, यही मेरे अपने हैं, इनके प्रति मेरी शुभ भावना है, इनको ही हम सहयोग देते हैं, नहीं। अगर संसार के किसी भी व्यक्ति को मेरे सहयोग की आवश्यकता है और हम दे सकते हैं तो हम अवश्य देते हैं। और जहाँ सहयोग होता है वहाँ एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह होते हैं, बड़े बड़े काम सहज संभव हो जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था तो कहते हैं श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो वो श्री कृष्ण की एक उंगली केवल नहीं थी लेकिन उसमें गोप गोपियों ने भी अपनी उंगली लगाई। तो ये कोई मिट्टी के पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, ये यादगार है परमात्मा के कर्तव्य का कि जब सचमुच ये कलयुग जैसा विशाल पर्वत इसे परिवर्तन करना होता है, इसे उठाना होता है, तो भगवान कोई जादू मंत्र की छड़ी नहीं घुमाते हैं, यह केवल स्वयं ही वो परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा के साथ अनेक मनुष्य आत्माओं के परिवर्तन का सहयोग होता है। कई बार हम सोचते हैं इतनी बड़ी दुनिया में हम एक इंसान बदल जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। हम एक इंसान से ही, हमारी हिम्मत से ही अनेकों को प्रेरणा मिलती है और उनकी मदद हमें मिलने लगती है। इसीलिए कहते हैं हिम्मतें मर्दा मददे खुदा, भगवान की मदद भी हमें तब मिलती है जब हम हिम्मत रखते हैं। महात्मा गांधी जब उनको आज़ादी का संकल्प आया, वो अकेले थे लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ा और भारत आज़ाद हो गया। तो सहयोग की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है।